सो अभी हम फॉरेन करेंसी एक्सचेंज आए थे, इट्स कॉल्ड फिरोज सामरोज। मुझे याद है क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 साल पहले अपने पापा के साथ आया था INR को यूरो में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैंने सबसे पहले उनको पूछा इफ़ दे हैव इंडोनेशियन रुपया, क्योंकि दैट्स वेयर वी आर गोइंग, पर उन्होंने नहीं बोला। आई गॉट INR कन्वर्टेड इनटू US डॉलर, क्योंकि USD एक इंटरनेशनल करेंसी है। एयरपोर्ट पे पहुँचते पहुँचते मैं एक बूथ पे जाऊँगा और वहाँ पर वो USD इंडोनेशियन रुपया में कन्वर्ट करवाऊँगा एंड देन वील प्रोसीड विद आवर ट्रिप। पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, इट फील्स लाइक वन स्टेप थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है। 8 days टू गो, लेट्स गो। और फैसिनेटिंग चीज़ यह है कि मैंने जो अमाउंट INR में डाली थी वो एक काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, बट मुझे इन रिटर्न जो मिला वॉज 6 pieces ऑफ पेपर। काफ़ी बुरा लगता है, बट इट्स ऑल्सो फैसिनेटिंग कि US डॉलर की जो प्राइस है दैट्स सो मच मोर देन INR। गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं फाइनली एक हेयर कट करवा के लाया। टूवर्ड्स दी एंड, तो पिछले 2-3 वीडियोस के कमेंट्स में मुझे लिटरली थ्रेट्स आ रहे थे, अगर तू हेयर कट नहीं करवाएगा मैं तेरे घर पे आऊँगा, ये वो करूँगा, अनसब्सक्राइब कर दूंगा। ऑफकोर्स मजाक में, बट आई जस्ट थॉट इट वॉज फनी। और आपको वो सैलून पता है जहाँ पर आप बहुत सारे सालों से जा रहे हो और एंटर करते करते आपको आपका बंदा दिखता है, वो बंदा जिसको आपके बाल काटने की आदत है। जैसे ही आप सैलून में एंटर करते हो आप उन भैया से ऐसे दूर से आई कॉन्टैक्ट बनाते हो एंड विदाउट रियली सेइंग एनीथिंग उनको पता है कि आपको कैसे बाल चाहिए, मुझे पता है कि ही विल डू अ गुड जॉब एट इट। सो शाउट आउट टू दैट भैया, उनको एग्जैक्टली पता है कि मुझे किस टाइप का हेयर कट, किस टाइप का फेड पसंद है एंड आई एम सैटिस्फाइड। आज के दिन के लिए हमने बहुत सारी चीजें प्लान किया है। आज मेरा इंडिया में आखिरी दिन है फॉर क्वाइट सम टाइम, उसके बाद अगले 7 दिनों के लिए मैं यहाँ पर नहीं होने वाला हूँ। 7 दिन इन टोटल, बिकॉज मैं एक पूरा दिन जाने के लिए और आने के लिए काउंट कर रहा हूँ। सो पूरी ट्रिप का जो ड्यूरेशन होगा वो 5 days होगा वहाँ पर, बट बिकॉज ऑफ गोइंग एंड कमिंग पूरी ट्रिप 7 दिनों की हो जाएगी। एंड ऑनेस्टली आप लोगों को ऐसे ओपनली भाई की तरह बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। ये मेरी पहली अकेले वाली इंटरनेशनल ट्रिप है, बाय अकेले वाली आई मीन पेरेंट्स के बिना। पहले मैंने जो भी कंट्रीज विजिट किया है, जिन भी वेकेशन पे गया हूँ, उन वेकेशन में मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ में थे और सारी प्लानिंग, वीसा, पासपोर्ट, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारे जो अडल्ट वाले काम होते हैं वो हमेशा मेरी मम्मी या मेरे पापा करते थे और मैं बस एक छोटे से बच्चे की तरह उनके पीछे पीछे जाता था, वो सारी जगह एक्सप्लोर करता था और वापस इंडिया आता था। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे एक अडल्ट वाली फीलिंग आ रही है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं वो अब सब मेरे हाथ में है एंड इट्स अ बिग मोमेंट। काफ़ी नर्वसनेस है बट एट द सेम टाइम आई एम एक्साइटेड एज वेल। मैंने यहाँ पर एक पूरी आइटनरी बनाई है और आज जो भी काम करने हैं, आज या मे बी कल के फर्स्ट हाफ में जो भी काम करने हैं उनकी एक लिस्ट बनाई है। सो हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पर एक RT-PCR टेस्ट कंपल्सरी है अलॉन्ग विथ द फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, फिर ट्रैवल इंश्योरेंस भी कंपलसरी है। तो RT-PCR टेस्ट हम मोस्टली जिम के बाद करवाएंगे और ट्रैवल इंश्योरेंस का सीन मैं अभी लैपटॉप पे चेक करूंगा। उसके बाद कल की जो पहली डोमेस्टिक कनेक्टिंग वाली फ्लाइट है उसका वेब चेक इन करना है ऑन इंडिगोज वेबसाइट। पर व्हाट एन एक्सपीरियंस यार, मैं सोच भी नहीं सकता कि उस कंट्री में लैंड करने के बाद किस टाइप की फीलिंग आएगी और मैं मैनेज कैसे करूंगा सब कुछ, बिकॉज हमें एक पॉइंट के बाद एयरपोर्ट के जो बूथ हैं वहां पर एक लोकल सिम कार्ड लेना है ताकि इंटरनेट एक्सेस हो, फिर करेंसी एक्सचेंज करवानी है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट हो जाएगा वन स्टेप एट अ टाइम। एक सिंपल हैक जिससे आप क्रिएटिन लेना हमेशा याद रखोगे, सबसे पहले तो रात को कभी मत लो सोने से पहले। मैं ये बहुत करता था बट आई एंडेड अप फॉरगेटिंग इट एंड मिसिंग आउट ऑन डेज। इसीलिए मेरी नई स्ट्रैटेजी है कि जिम जाने से पहले, जिम तो हम रेगुलरली जाते ही हैं, हम काफ़ी कंसिस्टेंट भी रहते हैं, सो राइट बिफोर लीविंग मैं अपना क्रिएटिन लेता हूँ। वैसे टाइम ऑफ कंजम्पशन इतना मैटर नहीं करता प्रोवाइडेड कि आप ये ले रहे हो, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है जिससे आप भूलोगे नहीं। मेलन ट्विस्ट फ्लेवर, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यूज कूपन कोड साकेत30। मैंने ऑन पर्पस एक बहुत ढीली सी गंदी सी फिटिंग वाली टी शर्ट पहनी है, जब पंप आएगा तब हम ये निकालेंगे। ओके, ये वर्कआउट करते समय मुझे क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा। दिस वन इज फ्रॉम प्रशांत यादव। वंस यू टोल्ड इन योर ब्लॉग दैट यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग एन MBA इन मार्केटिंग, व्हाट अबाउट दैट?
सो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो मार्केटिंग MBA वाला थॉट है ये अभी भी मेरे दिमाग में है, बट मैं एक ऐसा ह्यूमन बींग हूँ जिसको एक टाइम पे एक चीज अच्छे से टैकल करना पसंद है। एंड स्पीकिंग अबाउट अकेडमिक रिलेटेड गोल्स, मेरी एग्जैक्टली एक महीने में जापनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की एग्जाम है जिसके लिए मैं हर दिन बहुत पढ़ रहा हूँ और मन करके पढ़ रहा हूँ, मन करके मन लगा के, जो भी है, यू गेट द पॉइंट, बहुत पैशन के साथ पढ़ रहा हूँ। सो इस साल मुझे पहले जापनीज टैकल करना है अच्छे से। जुलाई में मैं N3 दूंगा, दिसंबर में मैं N2 दूंगा, एंड उसके बाद व्हेन आई एम हैप्पी इनफ विथ माय जापनीज प्रोग्रेस, मे बी अगले साल मैं MBA के जो भी कॉलेजेस है उनके लिए अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा। वो थॉट मैंने गिव अप नहीं किया है, कैंसिल नहीं किया है, इट इज स्टिल देयर, बट अभी के लिए इट्स जापनीज मेरे दिल के बहुत करीब। अगला क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है फ्रॉम सूर्या स्वरूप, यू आर कंसिडर्ड टू बी ऑन द टॉप टीयर ऑफ एस्थेटिक सिनेमैटिक फिटनेस व्लॉग्स, हाउ डिड यू कम अप विद द स्टाइल एंड वाज योर इंस्पिरेशन, इफ यू हैव एनी रिलेटेड टू दिस प्लीज गिव सम टिप्स ऑन गुड फोटोज एंड वीडियोज दैट यू टेक। सो फनी इनफ बहुत लोगों को लगता है कि डेविड लेड इज लाइक माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन, पर मैंने एक्चुअली वीडियोज बनाना उसकी वजह से नहीं बल्कि लेग्स की वजह से स्टार्ट किया। बिग शाउट आउट टू लेग्स लिटिल, लेग्स भी एक इंटरनेशनल फिटनेस यूट्यूबर है, एंड द रीजन कि मैं लेग्स से इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ इज बिकॉज जब मैंने स्टार्ट करने के बारे में सोचा था तो आई वॉज नोबडी, मैं एक पतला सा लड़का था और मेरे पास कोई ऐसे फेमस फ्रेंड्स या ऐसे कुछ नहीं थे, इट वॉज जस्ट मी गोइंग टू द जिम, एंड लेग्स भी उस टाइम पे उसी टाइप के वीडियोज बनाता था, सो ही वॉज अ बिग इंस्पिरेशन ऑफ माइन। एंड फनी इनफ मैं इंस्पिरेशन इन फिटनेस एंड इन माई वीडियोज फिटनेस इंडस्ट्री से नहीं लेता, मैं इतना ज्यादा फिटनेस कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, मेनली मैं अगर फोटोज और अच्छे वीडियोज बनाने की बात आई तो मैं बहुत फिल्म मेकर से इंस्पिरेशन लेता हूँ, विराग बींग अ बिग इंस्पिरेशन ऑफ माइन, इरफान जुनेजो वन ऑफ माई फेवरेट्स, सैम कोल्डर, निकलास क्रिस्टल, आई होप द प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट, ये सारे फॉरेन के फिल्म मेकर से मैं बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ। और अगर टिप्स चाहिए तो मेरी सिर्फ एक टिप है, आप जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर के सारे टूल्स सीखो, क्योंकि अगर आपको पता है कि हर टूल और हर सेटिंग क्या करता है तो आप किसी भी फोटो को अपना खुद का क्रिएटिव लुक दे सकते हो। सो अगर क्लैरिटी, टेक्सचर, ये सारे स्लाइडर्स है, HSL विच इज ह्यू सैचुरेशन लुमिनेंस, पहले इसके पीछे की सारी थियोरी सीखो, जब आपको ये थियोरी पता चलेगी तो आप किसी भी वीडियो या किसी भी फोटो को अपना वो टच दे पाओगे। होप दिस हेल्प्स। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है लीव देम डाउन बिलो। मैम एक कैपुचिनो चाहिए विदाउट शुगर। I couldn't have asked for a better last workout. Going into the workout ही मैंने realize किया कि ये मेरा आखिरी workout होगा in Evolve for some time, और मैं full dramatic होके title में last workout in India या कुछ डालूंगा, वरना लोग click नहीं करते। Anyways, mind muscle connection आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अगर आपको जानना है कि मैंने क्या किया, काफ़ी simple रखा, एक vertical pull, एक horizontal pull और एक curl, मैंने बस ये तीन exercises किए, but I went hard on them, जो effort था वो काफ़ी अच्छा डाला, and I got the most out of this session. तो कल मैं इस पैकेज की वजह से पूरे दिन स्ट्रेस में था। क्या है कि मुझे पता है कि मैं कल एयरपोर्ट के लिए निकलने वाला हूँ और बाहर जाने वाला हूँ, और मेरे घर का प्रोटीन ख़त्म हो गया, मेरे पास वे प्रोटीन नहीं है, मेरे पास कोई प्रोटीन बाज नहीं है, और कल ये जो पैकेज है वो आने वाला था, और हमारी सोसाइटी में माई गेट नाम की एक सिस्टम है, सो अगर कोई कुरियर वाला घर पर आना चाहता है उसे गेट पे पहले एंट्री करनी पड़ती है। तो भैया आए, हमें नोटिफिकेशन मिला कि XYZ वांट्स टू चेक इन टू द सोसाइटी, मैंने वो नोटिफिकेशन एक्सेप्ट किया, और उसके बाद नोटिफिकेशन भी आया कि भैया ने सोसाइटी में एंटर किया है। फिर मैं रुका, 10 मिनट रुका, 15 मिनट रुका, वो पार्सल आया ही नहीं। फिर मुझे डर लगने लगा कि क्या उन भैया ने गलती से ये बड़ा सा डब्बा किसी और घर में डिलीवर किया। फिर रात को मैंने कैसे तो करके उन भैया का नंबर ढूंढा, उनको कॉल किया, और उन्होंने बोला कि वो आए थे, बिल्डिंग के पास आए थे, पर वो पैकेज लाना भूल गए। देन ही वॉज लाइक, सर सॉरी मैं कल लाता हूँ। देन आई वाज लाइक ओके ओके, मुझे बस जानना था कि आ रहा है कि नहीं, मैं ट्रिप पे अपना प्रोटीन गोल सेटिस्फाई कर पाऊंगा।
ये खोलना हमेशा एक्साइटिंग होता है बिकॉज मुझे जो चाहिए उसके अलावा वो रैंडम चीज़ें भी भेजते हैं, जैसे ये क्या है मुझे पता ही नहीं, चॉकलेट फ्लेवर प्लांट प्रोटीन डार्क चॉकलेट का एक सैशे और बहुत सारे ओट्स बहुत सारे लाइक आई एम नॉट जोकिंग, इसमें 4 kg ओट्स है। ये क्या है, क्रिएटिन फ्री प्रोटीन चॉकलेट। और लास्टली हमारे पास है बहुत सारे प्रोटीन बार्स, ये ट्रैवल करते वक्त काम आएंगे बिकॉज वो जो बड़ा वे प्रोटीन का डब्बा है वो काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सो ये बहुत सारे हैं, ये जो पूरा डब्बा है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बार्स है। ओके, पैकिंग छोड़ के सब कुछ हो गया, बस एक चीज़ बची है, दैट इज़ इंटरनेट का जो सीन है वो मुझे फिगर आउट करना है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि एयरपोर्ट पे जो बूथ्स होते हैं वहाँ पर मैं एक लोकल सिम कार्ड खरीद सकता हूँ, उसे अपने इस फ़ोन में डालूंगा बिकॉज इस फ़ोन पे कभी कभी व्हाट्सएप कॉल्स एक्सेट्रा आता है, मैं वो जो सिम कार्ड है वो मेरे दूसरे पुराने आईफोन SE में डालूंगा और हॉटस्पॉट एनेबल करके डेटा एक्टिवेट करूंगा जिससे मैं जिधर भी घूमूंगा वहाँ पर मुझे इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। दूसरा ऑप्शन मैंने अभी चेक किया, जियो के ऐप पे मैंने इंटरनेशनल रोमिंग पैक्स ये देखे, बट इट्स स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, 7 दिनों का प्लान मुझे 2,800 rupees के लिए मिल रहा है। एंड एज अ कैच ये है कि पर डे मुझे सिर्फ 250 MB ऑफ डेटा मिलेगा, उसके बाद भी अनलिमिटेड ही है पर स्पीड काफ़ी ड्रास्टिकली स्लो डाउन होता है। तो अभी मैं चलते चलते डिबेट कर रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, एक बार मम्मी पापा का भी ओपिनियन लूँगा और देखूँगा। आई थिंक लोकल सिम कार्ड वुड बी बेटर, बट स्लाइटली इंटिमिडेटिंग है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी आ रहा है बिकॉज वहाँ पर क्या होगा वो पता नहीं एक्सेट्रा। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है, अभी मैं जाऊँगा सोने के लिए, पिछले 1.5 घंटे के लिए मैं मम्मी पापा से बात कर रहा था बिकॉज आई एम गोना मिस देम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लीव अ लाइक, दिल से पसंद आया तो एक दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करना। मैं मिलूँगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में, मोस्टली ऑन द एयरपोर्ट, लेट्स गो।